हिमाचल प्रदेश के पहले सामुदायिक रेडियो सोलन 90.4 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का दोस्त अनिल आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। आज के विषय के बारे में आप सब मेहमानों ने थोड़ी थोड़ी राय अपनी दी कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें नहीं करना चाहिए। आप चारों के लिए मेरा अगला सवाल है, मैं चाहूंगा कि थोड़े थोड़े करके आप जरूर इसके बारे में जवाब दें कि पर्यावरण बचाव को लेकर सरकार, राज्य सरकार, लोकल प्रशासन अपने लेवल पर हर तरह के काम करता है, प्रयास करता है, बावजूद उसके हम अपने आसपास देखते हैं कि गंदगी के ढेर वैसे ही पड़े रहते हैं। आप सोलन शहर की बात कर लीजिए, कितने गंदगी के ढेर यहाँ पे पड़े होते हैं। कुछ समय तक तो डस्टबिन लगे हुए थे लेकिन अभी वो फैसिलिटीज भी नहीं है। क्या कारण ऐसा है कि अभी भी सिचुएशन जैसे कि तैसे ही है? किसी काम को करने के लिए हमारे पास 3 बिल्स चाहिए जी, पॉलिटिकल बिल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल एंड द पब्लिक बिल। बिल्कुल, ये सारी बिल्स जो है कई बार एक दूसरे का साथ फंसती है। बहुत कम होता है जब एडमिनिस्ट्रेटिव बिल भी हो, पॉलिटिकल बिल भी हो और पब्लिक बिल भी हो। और यदि ऐसा नहीं होगा तो हमारा हर प्रोग्राम जो है कहीं ना कहीं फंस जाए। बस जरूरत इस बात की है जो सत्यन जी ने भी कही है, यदि लोग कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार, हमने आदमी को चुन दिया, अब इसका काम है ये जाने, मैंने तो सो जाना है, तो वो कुंभकर्ण की नींद जो है, जो चुना गया आदमी है वो तो अपने हिसाब से चलेगा, क्योंकि हो सकता है वो लीडर ना हो, वो पॉलिटिशियन हो सकता है कुछ 5 साल या जो उसका टेन्योर है उसके एंड पर थोड़ा सा काम करे, वो स्प्रेड ओवर ना करे, वो काम ही नहीं दिखेगा उस समय जब मैं दोबारा इलेक्शन लड़ना, तो उसकी अपनी मजबूरी है। मैं पॉलिटिशियंस की बात कर रहा हूं, पर जो लीडर होता है वो लीड करता है, वो देखता है, वो फ्यूचर के बारे में सोचता है, वो जनरेशंस के बारे में सोचता है। यदि हमारे बीच में लीडर्स होंगे तब तो बहुत परिवर्तन आ जाएगा, पर लीडर नहीं है, बहुत कम है। समाज के अंदर इतनी भागदौड़ मची है, मैं उसी को रिपीट करना चाहूंगा कि जो ऊपर वाला है, अमीर आदमी है, जो अच्छे कद पद वाला है, उसको जरूरत नहीं है, और जो छोटा आदमी है बेचारा 500 रुपया कमा रहा, उसके पास हिम्मत नहीं है इसके लिए, ये जो एनवायरनमेंट की और सस्टेनेबल की बात कर रहे हैं, और जो बीच वाला मिडिल क्लास है उसके पास फुर्सत नहीं है जी। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि हम सरकार का इंतजार कर रहे हैं जी। और सरकार में जो लोग हैं वो उनमें आपस में जो 3 लेवल्स मैंने बताया, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल, उनमें आपस में अलाइनमेंट नहीं हो पा रही, और लीडर्स हमारे बीच में है नहीं जी जी। तो ये क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, और ये सारा सिस्टम ऐसा हो रहा है कि जो अल्टीमेटली है इसकी जो कैजुअलिटी बन रहा है वो हमारा एनवायरनमेंट है। तो आपने बताया कि जो भी मिशन हम शुरू करते हैं वो लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से पीछे रह जाते हैं। सत्यन सर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं पठानिया सर की बातों से सहमत हूँ। हमें सरकारी कम और सहकारी ज्यादा बनना पड़ेगा, यानी अपने सामने सामूहिक लक्ष्य रखना ही पड़ेगा। अक्सर अगर हम देखें कि समाज की जब हम बात करते हैं, समाज का जो एक अग्रिम पंक्ति, अग्रिम श्रेणी जो होती है वर्ग की, वो होती है संस्थाएं। संस्थाओं से समाज बनता है। पवार साहब ने कितना अच्छा कहा कि आजकल हम में इतना स्वार्थ आ गया, मनुष्य पहले से ही स्वार्थी था, संस्था में जोड़ के उस संस्था का स्वार्थ आ जाता है। तो सबसे पहले इस स्वार्थ से ऊपर उठना पड़ेगा, अपने सामने एक सामूहिक लक्ष्य रखना पड़ेगा, और जिसकी हम अक्सर बात करते हैं कि ये लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट तभी सफल हो सकता है कि अगर हम व्यक्तिगत स्तर पर ज्यादा बड़े बड़े काम ना करें, छोटे छोटे काम जरूर करें। जैसे अगर कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, पुल अप करें, और खुले में कचरा ना फेंकें, बिजली का ध्यान रखें, वो वेस्ट ना करें, पानी का, अंकुश ने कहा कि पानी बचाओ, तो छोटे छोटे काम अगर हम करें तो पर्यावरण को अभी भी बचा सकते हैं। अभी बहुत देर नहीं हुई, आप देख सकते हैं कि हम अभी मई में हैं, लेकिन बाहर जाके एकदम से 2-3 दिन बारिश हुई नहीं, ऐसे फील होता है कि हम दिसंबर में हैं। तो अगर अभी हम नहीं जागे तो बहुत देर हो चुकी होगी। तो मैं तो यही कहूँगा आपके 90.4 कम्युनिटी रेडियो के माध्यम से जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं, मैं सभी से ही आग्रह करता हूँ, स्वच्छता आग्रह करता हूँ कि पर्यावरण को बचाने के लिए अपने व्यक्तिगत स्तर पर जो बन सकता है वो जरूर करें, और किसी का इंतजार ना करें, ना सरकार का करें ना किसी और का करें, बस हो सके तो अपनी जगह स्वच्छ और स्वस्थ रहें। हाँ, एक कदम उसके बाद जरूर दें, क्योंकि सर मैंने बहुत बार देखा है कि हम जैसे अब अपनी जगह जो कार्य कर रहे हैं वो अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन जनमानस में जागृति फिर भी नहीं आ रही है। तो इसके पीछे तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी डफली, आप अपना राग सब बजा रहे हैं, गा रहे हैं, इसीलिए जनता को नहीं जगा पा रहे हैं।
तो सभी संस्थाओं से भी मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा आपके मंच के माध्यम से कि क्यों ना आज हम यह निर्णय ले कि जो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन के अंतर्गत चाहे स्वच्छताग्रह है, चाहे 90.4 है, चाहे अंकुश जी आए हैं या ठाणिया सर आए, कोई भी अपने स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं एक सामूहिक लक्ष्य अपने सामने रखते हैं और उसका क्रियान्वयन करते हैं, सुनिश्चित करते हैं जी। तभी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। बस मैं एक बात फिर साथ में कहूंगा, जो दो बातें जबरदस्ती इन्होंने कही है, देखिए जागरूक सब है, संगठित नहीं है, और यदि संगठित हो जाए तो उसके बाद एक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जागरूक सारा हिंदुस्तान है, बहुत कुछ पता है, अवेयरनेस गूगल के ऊपर सब कुछ अवेलेबल है, बट संगठित फॉर एक्शन। संगठित इसलिए नहीं कि बताना कि ये हो रहा है प्रॉब्लम बतानी, उसके लिए एक्शन करना, सही दिशा में तेज गति से हरकत करनी, तो बरकत मिलेगी। बेसिकली सर ये जो ग्राउंड रूट लेवल पे कैंपेन चलाई जाती है सर, जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिशन और गवर्नमेंट्स करती हैं, लोगों को तक बात तो पहुंचती है, बट ये कि लोगों के डीप रूट तक ये बात नहीं पहुंचती है। मैं सबसे यही बात बोलूंगा कि जैसे घर में कोई, जैसे हमारे एल्डर्स हैं, ये हमारे पेरेंट्स हैं, आपने जो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स जो आज की डेट में स्कूल्स गोइंग है, कॉलेज गोइंग, जो हमारी जनरेशन है, तो उनको हम इस चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे, जैसे हुआ लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आगे आप आज की डेट में गूगल पे भी सर्च करेंगे तो डिफरेंट आप इस चीज के ऊपर आप नॉलेज ले सकते हो और अवेयरनेस ले सकते हो। और वही अवेयरनेस आज की डेट में जैसे वी आर ट्रेवलिंग बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस में, हम इन्हीं टॉपिक को अपने को राइडर के साथ अगर डिस्कस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे कुछ के लिए अच्छे व्यूज भी आएंगे और आइडियाज भी आएंगे, और तो तब करके हम अपने जितने भी जो आप नेचुरल एनवायरनमेंट फ्रेंडली रिसोर्सेज है उन चीजों को अच्छे से हार्नेस कर पाएंगे, जहां तक मैं समझता हूँ जी। हम पॉलिटिकल विल की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव विल की और पब्लिक विल की, तो ये तीनों चीज जो है अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है जी। जैसे एक बहुत जबरदस्त मुद्दा हमारे सामने आया है जिसने हमको सबको इकट्ठा किया और इतने विचार विमर्श हुए, बहुत बातें हुई, तो ये एक एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, ये इसको हम पॉलिटिकल विल कहेंगे जी। एक पॉलिटिकल विल आई और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक जागरूकता की बात आई, एक लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट का एक कॉन्सेप्ट जो है सामने आया हमारे, और आज हम सामुदायिक रेडियो पे यहाँ बैठ के स्टूडियो में बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो ये एक पॉलिटिकल विल इसको मान लीजिए आप। अब एडमिनिस्ट्रेटिव विल जो है वो क्या है, इसको कार्य रूप कैसे देना है जी। क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, और जो पब्लिक का योगदान इसमें है वो संस्थाओं का योगदान है, जो हम व्यक्तिगत रूप से जो हम जीवन शैली हमारी है उसको बेहतर बनाने का है, और एक हम की बात करने का है, मैं की बात करने का नहीं है जी। तो हम की बात हम करेंगे तो हम कहीं पहुंचेंगे, और जो मैं करेंगे तो वो उसका कहीं वो तो फिर एक टूटते चले जाएंगे जी जी। तो इसलिए हमें ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है इसको बनाना है, रास्ता भी वही है, तरीका ही वही है, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मदद लेनी है, क्योंकि ये इस तरह के कार्यक्रम जो हैं साल में हम मनाते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस मनाते हैं, कभी कोई जो है मतलब हर दिन का कोई ना कोई संयोग रहता है, तो वो टोकनिज्म का हमारा है कि भाई एक दिन बहुत बातें करेंगे जी जी। कुछ एक्शन भी कर लेंगे, फोटो वोटो खिंचवा लेंगे, वो सब कुछ हो जाएगा, अगले दिन से फिर वही भूल जाएंगे। तो मगर ये ठीक नहीं है, कंसिस्टेंसी चाहिए, एक मतलब निरंतरता जो है वो होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और वो तभी बनेगी जब हम अपनी एग्जाम्पल सेट करेंगे। जैसे आज हमने पर्यावरण के बारे में बात की है, आगे भी हम इस विषय के बारे में बात करेंगे, और हमारी कोशिश यही है कि हम रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक कर सके, अपने युवा साथियों को जागरूक कर सके, ताकि हम अपने सोलन हिमाचल भारतवर्ष को स्वच्छ बना सके। और आज का विशेष ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन लिसनर्स आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोलन डायलॉग कार्यक्रम के साथ। कोई टॉपिक आपके पास है, आप इस खास प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, तो आप हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 9882662422 पर, जी हाँ 9882662422 पर। अब इसी के साथ हमारे आज के खास मेहमान प्रोफेसर आर के पठानिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ के साथ सत्यन सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर बी एस पवार सर शुक्रिया आपका, और अंकुश जी बहुत बहुत शुक्रिया।